साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। अभी आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं साथियों, ये सदर थाना की तस्वीरें। 4 साल से फरार हार्डकोर इनामी अपराधी रूपाराम जाट को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मारपीट लूट सहित 6 प्रकरणों में वांछित था रूपाराम। बाड़मेर पुलिस द्वारा 2000 रुपये का इनामी भी किया हुआ था घोषित। सदर पुलिस ने क्रेटा कार के साथ पचपदा क्षेत्र से किया गिरफ्तार। थाना अधिकारी रामनिवास विश्नोई ने दी जानकारी। तो क्या कहते हैं सदर SHO रामनिवास विश्नोई। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदर पुलिस ने एक वांछित को पकड़ा है। ये व्यक्ति कौन है, किस तरीके के अपराधों में लिप्त था और कहां से इसको गिरफ्तार किया गया? सदर पुलिस और जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने रूपाराम स्वरूप तेजाराम जाति जाट निवासी आदितला को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से लगभग 4 वर्ष से फरार चल रहा था। इसके ऊपर लूट और मारपीट जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। वर्तमान में इसके खिलाफ 6 प्रकरण पेंडिंग है जिसमें ये फरार चल रहा था और इसके ऊपर 2000 रुपये का जिला पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। इस रूपाराम को मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने पचपदरा से दस्तियाब करके बाड़मेर सदर लाके गिरफ्तार किया। सर, ये काफ़ी समय से फरार था, तो फिर ये करता क्या था इस दौरान? ये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है, जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। और इसके पास एक चोरी की क्रेटा गाड़ी भी मिली है, जिसकी भी जांच की जाएगी। इसके साथ और भी और लोग शामिल हो सकते हैं जो अपराध में लिप्त लोग? हाँ, इसके साथ कुछ लोग हैं जिनकी पुलिस को तलाश है और कुछ लोगों को पहले हमने गिरफ्तार किया है, तो वो इसके साथ वारदातों में शामिल रहे हैं। जैसे लूट की वारदात, स्कोर पे लूट है या मारपीट के प्रकरण हो जिनमें शामिल रहे हैं, तो ये एक छोटा मोटा गिरोह चलाता है। Y dejen que lo prendan aquí, güey.